लाइट्स कैमरा एक्शन, बाबा की चौकी स्टार्ट। कहाँ लेके आ गया ये? ये बहुत गुरु मानता हूँ इनको, बाबा बहुत बड़े बाबा। अरे बाबा, लेकिन ये कैसी जगह, मेरे को फीलिंग सही नहीं आ रही। कोई आ रहा है, देखो बाबा है। ये कैसा बाबा है? खिड़की से आ रहे हो? खिड़की से आओ ना, बाहर ना जाऊंगा ना। सुना, वेलकम टू आवर शो बाबा। मैंने देखा तुम लोग का ट्रेलर में माँ बाप कुछ साथ नहीं दे रहे, तो मैं वो आज तुम लोग का बॉन्ड ठीक करने आया हूँ। क्या बात करो, अरे आई विल बी चैंटिंग फ्यू मंत्रा काइंड ऑफ थिंग्स। नमे हो रहेंगे क्या? मैं फंत्रास करूंगा, फनी मंत्रास। ओके, आपको गोल गोल घूमना है, फिर एक हल्का सा ना चक्कर रहेगा आपको। What? अच्छा, तभी समझ लो आपका बॉन्ड चक्कर आता ना अपने को ऐसा। ये बीच में एज इफ इट इज अ फायर गोइंग ऑन, एज इफ इट इज, दोनों के बीच में आग लगी हुई समझ। स्टार्ट। आलिया भट्ट खाना खाया था सुबह? हाँ, कहते हो दूल्हे के माँ बाप इधर बाजू में राइट साइड में। तो क्यों बुलाया? वेलकम टू आवर शो। मैं आज तुम लोग के बीच में समझौता करने आया हूँ। नीना जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अभी तक। All good? प्लीज आओ। पर आप क्या कर रहे हैं? दिस इज फन शो। दिस इज बूमर जनरेशन, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। प्लीज आओ सीट, मैं बताता हूँ क्या चालू है। हाँ, स्टार्ट। वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है बाबा की चौकी। और आज हमारे साथ आए हैं यहाँ पे कुछ खासम खास मेहमान। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नन अदर देन द ब्यूटीफुल टीम ऑफ शुभ मंगल ज्यादा सावधान। क्लैपिंग बहुत फरमाइश है मेरे को। नन अदर द ब्यूटीफुल टीम ऑफ शुभ मंगल ज्यादा सावधान। अतः शो शुरू। तो हमें पहले आप सब फिल्म के बारे में बताइए आप, कि शुभ मंगल ज्यादा सावधान में क्या है। आयुष्मान, लेट अस टर्न ऑन टू यू। बाबा ऊपर ऊपर क्या देखते हो वैसे? हाँ, आयुष्मान को देख के मेरे को याद आया कि वो गाना अपना पानी दा रंग देख के अकियारे, गाने का थोड़ा इस लाइन का मतलब क्या है? कि पानी को देख के आंखों में आंसू आ गए। खाली पानी रहेगा तो आंख में पानी आएगा ही ना, उसमें कुछ होना चाहिए। कमल नहीं हो एक पिक्चर का लेते अभी। तो बताइए शुभ मंगल ज्यादा सावधान में क्या है, इस पिक्चर का ब्रीफिंग क्या है, पिक्चर व्हाट इज द प्लॉट अबाउट? प्लॉट ये है कि मैं और जीतू प्यार में और इस प्यार से इट इज अ लव स्टोरी, मतलब इट्स अ रोम कॉम बिटवीन टू बॉयज एंड द रिएक्शन ऑफ द एंटायर फैमिली, कैसे रिएक्ट करती है इस प्यार को देखकर। उनको प्रॉब्लम है उनका लड़का गे है और मैं उनके फैमिली में आता हूँ और कन्विंस करता हूँ इसको कि अपने फैमिली से लड़। फैमिली फिल्म है पर हमारी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। कबूल है ये मुंबई है वैसे। हाँ हाँ, कबूल नहीं, काबुल है। विटी आंसर। नहीं, मुझे तो पता नहीं था और फिल्म के दौरान पता चलता है, तो उसके बाद हम पूरे फैमिली वालों का क्या रिएक्शन होता है इसके बारे में फिल्म है और बहुत हंसी मजाक की फिल्म है। आपका क्या किरदार है इस फिल्म में, किस टाइप के फादर है आप? स्ट्रिक्ट है, रिजिड है, मतलब ऑर्थोडॉक्स होते हैं ना, जैसे जो जिसको कुछ भी अलग से ख्याल होता है वो आराम से बैठो, स्ट्रेस मत लो ऐसा पूरा आराम से फैल के बैठो एकदम, अपना शो है, दिस इज आवर फार्म हाउस सेटअप यार, एकदम रिलैक्स, जूता वीता निकाल के बैठो जी। मैं सच बोल रहा हूँ। से आयुष्मान 18th, हाउ मेनी टाइम यू कम? ए कलेक्शन हो रहा है कि नहीं सॉलिड पिक्चर का? जब जितनी बार आए उतना बार 100 करोड़ किया पिक्चर ने, तभी आना जबान आते हैं नीना जी। जूते होते तो नीना जी, जबान है, जबान है अपना, जबान। मैं जबान दिया हुआ कि नहीं? जबान दिया तुमने, ये पिक्चर को भी जबान ले लो यार, सच बोलो 100% टच वुड करो, सब वुडी वुड है हर जगह, वुडी वुड है। जीतू जी, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वन मोर जीतू जी इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो इस फिल्म में आप जब
आपको मालूम पड़ा कि आप इस फिल्म का हिस्सा होने जा रहे हो, तो अपने मम्मी पापा को क्या बोला आपने? मैंने मम्मी कैसा रोल है, कौन है, क्या बनने का? मैंने मम्मी पापा को बोला कि लव स्टोरी मिली है, जिसकी हम लोग मतलब काफ़ी टाइम से एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ कोई लव स्टोरी मैं करूँगा, और फाइनली मुझे कोई एक लव स्टोरी मिल रही है, एंड बहुत कमाल का रोल है, आपको देखने में बहुत मजा आएगा। तो इस तरह से मैंने उन बात की उनसे। तो ट्रेलर तो देख ही रहे हो? ट्रेलर देख के उनको लगा कि हाँ ट्रेलर देख के उन वो काफ़ी हैप्पी थे, जितना मैं फिल्म में किसके बाद हैप्पी लग रहा हूँ उतना ही वो लोग खुश हो गए ट्रेलर देख के। सो दे आर एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटेड। और कुछ बाद में बोला नहीं, कह रहे क्या अरे बाबा ऐसा ऐसा बोला रहेगा ना बाद में, अरे बिल्डिंग का लोग क्या बोले, ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे बिल्डिंग के लोग भी काफ़ी खुश है, हाँ सही है, अच्छा रोल है। सच्ची? हाँ, एवरीवन इज बीइंग वेरी स्पोर्टिव, वेरी प्रोग्रेसिव बिल्डिंग। प्रोग्रेसिव बिल्डिंग कहाँ है बिल्डिंग? आप बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं है, मोहल्ला है, खैरथल है, अलवर, अलवर में खैरथल नाम की एक जगह है वहाँ पे। हाँ, शॉट देयर वन, ऐसे एक शॉट लिया था, वेरी नाइस प्लेस टू बी। जावेद साहब इज अबाउट टू कॉल। अच्छा, हाँ, विच जावेद साहब? आगे अख्तर, जावेद अख्तर, जावेद एक्टर सर। हेलो, दे रहा हूँ। हाँ नीरज जी, जावेद साहब बात कर रहे हैं। जावेद साहब आपसे बात करेंगे। नीरज जी, ओके, हाँ कीजिए बात। हेलो जावेद साहब। अरे नीना जी कैसी है आप? बस ठीक। अरे भाई व्हाट्सएप आजकल क्या चल रहा है, जबरदस्त ट्रेलर है, मैंने आपका ट्रेलर देखा, शुभ मंगल, ज्यादा सावधान, इसके पहले भी आपने एक फिल्म की थी, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही उम्दा लग रहे थे आप। हाँ, और उसमें जो आपने मुझे वो देखने के बाद कहा था, कभी नहीं भूलूंगी। मैंने क्या कहा था? आपने ये कहा था, you I am very happy, not surprised. And I'm so thankful to you. Neena ji, aapne to matlab dhar liya mujhe. Aap ek minute Farhan se baat kar lijiye. Farhan, I want to talk. Hi Neena ji, how are you? Wow. What's up? What's up? Sky. Sky was pink and today it's very red because of you. I've been a huge fan of you always. I'm in this world because of you. What? Huh? मॉम डैड ने आपकी फिल्में इतनी बार देखी थी कि उन दोनों को प्यार हो गया और उनकी शादी हो गई और फिर में हो गया। That's why I'm in this world because of you. Oh my God, really, Farhan? And best wishes for the film. Oh, thank you so much. Thank you. To the whole team and Ayushman, give my love to him. Everyone. Yeah, thank you so much. Peace out. Thank you. Bye. Wow. क्या बात है आप? Oh. Thank you. Amazing. Very nice. Thank you. Too good, yeah. Thank you. जीतू जी मिमिक्री करेंगे अभी एक। आंखों में पढ़ लिया मैंने, मेरे को आ रही है मिमिक्री, आ रही है, कराओ कर बेटा कर, स्टार्ट जीत। अरे एक शाहरुख और वो वाला सीन है ना उसमें, शाहरुख मेरा फेवरेट है। फिर करोगे आप शाहरुख? नहीं नहीं, मैं देखने के लिए रोचक क्यों एकदम। तो उसमें सैफ और शाहरुख का सीन है कल्होना में, जब दोनों लड़ते हैं तो, अरे तुम नैना से प्यार करते हो, नैना तुमसे प्यार करती है, इस प्रेम कहानी में मैं कहां से आ गया, अगर तुम मेरी जगह पे होते तो तुम क्या करते, काश काश कि मैं तुम्हारी जगह पे होता। लेकिन एक जन खेल पाएगा कल। नीरा जी, अच्छा एक जन नहीं, नहीं आयुष्मान, अरे यार जीतू अभी फटाफट देने का रैपिड फायर, मतलब मैं आराम से पूछूंगा आपको फटाफट बताना। स्टार्ट। दुबई लोनावला। लोनावला। पिज्जा पराठा। पराठा। वाह। वैक्सिंग शेविंग। वैक्सिंग शेविंग से उसके बाद पिज्जा पराठा वैक्सिंग शेविंग वैक्सिंग वैक्स कहाँ कराता तू? वैक्स नहीं कराता, बट आई डू ट्रिमर, तो दो ऑप्शन थे ना उसमें। वैक्सिंग कहाँ, फेस वैक्स कराया तूने, क्या कराया? नहीं नहीं नहीं, फेस पे नहीं, ऑप्शन नंबर 2। क्या वैक्स करने का अच्छा लगता है ना वैक्सिंग? तो आगे आगे बाबा, आगे बाबा, आगे चॉइस बाबा, सॉरी पूरा मेरा रैपिड फायर का ये कर दिया, लिंक तोड़ रहे, लिंक तोड़ रहे। व्हाट इज द रिलीज डेट ऑफ आवर फिल्म? 21st February. 21st February. 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 जब तक पिक्चर रिलीज होती है हम लोग क्या करते हैं आजकल, वी हैव स्टार्टेड गिविंग अ योगा आसन टू द पीपल, तो इस फिल्म का एक आसन बनाएंगे हम, शुभ मंगल ज्यादा सावधान आसन, ये फिल्म याद रखने को कि ये किस तरीके को जाना है। कुछ नहीं, वो सुबह ना मतलब वो
छास के साथ और वो तीसी मिला के उसके अंदर पी जाने का और उसके खुद को बोलना है कि प्यार प्यार होता है चाहे लड़के लड़के हो या लड़की लड़की, होमोफोबिया भाग जाता है इससे, वो भाग जाता है, होमोफोबिया भाग जाता है उससे। तो आसन ऐसा बनाते हो? हाँ, वो उसको ना उसको मिक्स करके कोगड़ा करने का, उसके बाद सब लोग ऐसा करते हैं ना, तो 21 तारीख को लड़का लड़का लड़की लड़की कर सकते हैं, उसमें मेरे बाप का क्या जाता है, सब सेम है, सब सेम है, अगर इनका चल रहा है मेरे बाप का क्या जाता है, और पी जाने का, उससे होमोफोबिया भाग जाने का और पी जाने का। चलो मिलाओ मिलाओ सब, ऐसा आसन करो ना, ये अपना जीआईएफ बनने वाले।